खबर शामिल करते हैं सरगोधा से, जहां पर चार डाकू वारदात के बाद फरार हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही शहर में नाकाबंदी करवा के डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की गई, तो इस पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, तो फायरिंग के नतीजा में एक डाकू हलाक जबकि बकिया मुलजिमान फरार हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रजा, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, आमना सरगोधा पुलिस की जानिब से आज डाकुओं में पुलिस मुकाबला हुआ है। चार डाकुओं ने चक 121 शिमाली में वारदात की थी और फरार हो रहे थे। वकुआ की इत्तला मिलते ही पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई। चक 99 शिमाली के करीब जो है पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मुलजमान को रोकने की कोशिश की, तो मुलजमान ने पुलिस पर सीधा फायरिंग शुरू कर दी और साथ करीबी बाग में जाकर छुप गए। पुलिस की मजीद जो है नफरी तलब की गई, तो मुलजमान गिरफ्तारी की देने के लिए कहा, लेकिन मुलजमान की जानब से मुसलसल जो फायरिंग का सिलसिला वो जारी रहा था। पुलिस ने हक हिफाजत और खुद अख्तियारी के तहत जो है फायरिंग की। फायरिंग के अख्ताम पर पुलिस को एक मुलजम की लाश मिली, जिसकी शिनाख्त जो है इब्राहिम के नाम से हुई। मुलजम कबल अजीज सारा डिकेटी और राहजनी के मुकदमात में चलान हो चुका था, जबकि तीन मुकदमात में मतलूब था। मुलजम के कब्जे से इसी इलाके से पुलिस कांस्टेबल से छीनी गई कई सरकारी राइफलें भी बरामद की गई हैं। वकुआ की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दीगर मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें भी तश्कील दे दी हैं। जी बहुत शुक्रिया अली रजा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपडेट कर रहे थे आपको सरगोधा से, जहां पर चार मुलजमान वारदात के बाद फरार हो गए।